बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं स्खावत चौधरी और आप देख रहे हैं लासानी टैक। दोस्तों आज की वीडियो में जो है वो हम अनबॉक्सिंग को रिव्यू करने जा रहे हैं एक बेस्ट बजट वाईफाई राउटर का। दोस्तों ये वाईफाई राउटर जो है वो डी लिंक का N150 है। दोस्तों इस वीडियो में हम इस राउटर के बारे में तमाम चीजें कवर करेंगे, इसकी प्राइस, इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसके फीचर्स, इसकी स्पेसिफिकेशन, सब कुछ जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी हर नई आने वाली वीडियो को आसानी देख सकें। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं इसे अनबॉक्स और इसका रिव्यू करते हैं। तो फ्रेंड ये है हमारा जो है वो डी लिंक का राउटर। अगर हम देखते हैं इसके ऊपर तो दोस्तों यहाँ पर हमें लिखा हुआ मिलेगा डी लिंक, और अगर हम देखते हैं दूसरी साइड पे तो यहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ है N150, नीचे DIR 300 इसका मॉडल नंबर है, लैंग्वेज पोर्ट लिखी हुई है, उसके बाद इसकी एक पिक्चर दी गई है, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है वायरलेस N150 होम राउटर, और कुछ इसके नीचे जो है वो फीचर्स दिए हुए हैं। उसके बाद अगर हम नीचे वाली साइड में देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें कुछ इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी, जिसमें जो है वो मॉडल नंबर मिलेगा हमें इसका, उसके बाद नीचे जो है वो सीरियल नंबर मिलेगा, सीरियल नंबर के बाद दोस्तों UPC कोड मिलेगा, मैक ID मिलेगी, उसके बाद और डिटेल्स कुछ मिल जाएंगी, उसके बाद DIR मॉडल नंबर मिलेगा। अगर दूसरी साइड पर हम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ फीचर्स हमें मिल जाते हैं। बैक साइड पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी कुछ इसकी डिटेल्स मिलती हैं, यहाँ पर हमें कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर, और नीचे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक पिक्चर नज़र आएगी बैक साइड की, और दूसरी तरफ हमें जो है वो रेंज और स्पीड मिल जाएगी इस मॉडम की, राउटर की सॉरी। उसके बाद हमें पैकेज कंटेंट मिल जाएंगे साइड में, और बस यही थी सारी की सारी बॉक्स की कहानी। अब करते हैं इसे अनबॉक्स और देखते हैं कि अंदर से क्या निकलने वाला है। दोस्तों मैं पहले बताता चलूँ कि मैंने इसे पहले भी अनबॉक्स किया हुआ है एक बार। तो फ्रेंड कुछ हमारे पास यहाँ पर जो है वो डॉक्यूमेंट्स निकल के आते हैं, जिनमें जो है वो वारंटी सेफ्टी इंफॉर्मेशन गाइड है, उसके बाद दोस्तों ये जो बड़ी सी गाइड आपको नज़र आ रही है ये क्विक इंस्टॉलेशन गाइड है, जिसे आप पढ़ सकते हैं, ना भी पढ़ेंगे तो कोई मसला नहीं, हम इसमें जो है वो कवर कर ही लेंगे। उसके बाद दोस्तों जो हमारे पास चीज़ निकल के आती है वो इसका है पावर अडैप्टर। दोस्तों पावर अडैप्टर के बाद हमारे पास एक यहाँ पर इंटरनेट केबल हमें मिल जाती है छोटी सी। इंटरनेट केबल के बाद दोस्तों अब हमारे पास निकल के आता है हमारा असली जो है वो प्रोडक्ट, जो है राउटर है डी लिंक का DIR 300 N150 इसका नेम है। इसके ऊपर हम देखते हैं तो सबसे ऊपर हमें जो है वो पावर का जो है वो इंडिकेटर नज़र आएंगे, जिसमें पावर है, WPS, LAN, WAN सारा कुछ नज़र आ जाएगा आपको। उसके बाद दोस्तों मॉडल नंबर लिखा हुआ मिलेगा, उसके बाद नीचे जो है वो डी लिंक लिखा हुआ है, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है जो नीचे प्लास्टिक लगी हुई है। उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें काफ़ी ज़्यादा इसकी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगी, जिनमें जो है वो PN है, सीरियल नंबर वगैरह, MAC ID वगैरह आपको मिल जाएगी, उसके बाद WPS पिन मिलेगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम दूसरी साइड पे देखते हैं तो डिफ़ॉल्ट राउटर सेटिंग मिल जाएगी आपको, जिसमें IP एड्रेस है, यूज़र नेम, पासवर्ड है। दोस्तों ये IP एड्रेस लगा के आप अपने ब्राउज़र में जो है वो लॉगिन होंगे और इसका पासवर्ड वगैरह चेंज करेंगे। दोस्तों उसके बाद और कुछ डिटेल्स हैं, अगर हम बैक साइड पे देखते हैं तो यहाँ पर हमें जो है वो एक सील मिल जाती है। दोस्तों इस सील को आपने ब्रेक नहीं करना वरना आपकी जो वारंटी है वो ख़राब हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों हमें पोर्ट्स मिल जाती हैं, ये इंटरनेट पोर्ट है, दूसरी लैन पोर्ट्स हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखते हैं तो हमें जो है वो रीसेट बटन मिलता है एक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पावर अडाप्टर लगाते हैं वो पोर्ट मिल जाती है, उसके साथ दोस्तों एक ऑन ऑफ का बटन मिलता है, और साथ में एक स्क्रू है जिसकी मदद से इसे टाइट किया गया है। पीछे की तरफ एक जो है वो नेट लगाया गया है एयर पास करने के लिए। उसके बाद दोस्तों अगर हम साइड में देखते हैं तो साइड में हमें जो है वो WPS का बटन मिल जाता है, जिसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से जो है वो WPS। दोस्तों यही था सारा का सारा कुछ इस जो है वो राउटर के बारे में। अगर हम इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको जो है वो 1150 से 1200 की रेंज में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा कमाल का जो है वो राउटर है, अगर आप इसे घर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा है, आप इसे जो है वो ख़रीद सकते हैं। फ्रेंड इसकी जो वारंटी है वो 10 मंथ्स आपको मिलेगी। तो बस यही थी सारी की सारी इसके बारे में बातें, आप इसे लगा के देखते हैं कि ये वॉल पे हमें किस तरह की लुक देगा।
फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए था फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ कहीं जो है वो हमारे चैनल का लोगो आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।